नमस्कार। कल से पुलिस का रोड पर नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारने और उनसे बदसलूकी करने का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो दिल्ली के इंद्रलोक का है, जहां शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे सड़क पर जुम्मे की नमाज पढ़ रहे लोगों को हटाने के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर ने उन्हें पीछे से लात मार दी। घटना का ये वीडियो वायरल होने के बाद सैकड़ों की संख्या में गुस्साए लोग इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के नजदीक सड़क पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस के अनुसार इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के पास बड़ा मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने आए थे। मस्जिद में जगह नहीं होने पर कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ने लगे, इससे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हो गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि नमाज के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास किया और नमाज पढ़ रहे लोगों को लात मारना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोग पुलिस वाले का समर्थन करते हुए भी नजर आए। लोगों का कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ ही क्यों रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या कोई व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा हो उसे लात मारना ठीक है? क्या किसी को भी लात मारना ठीक है? अगर आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है तो नमाज रोड पर पढ़ना या कोई भी धार्मिक सभा, कोई भी शोभा यात्रा या कोई भी कीर्तन और कोई भी रैली के लिए रोड ब्लॉक करना ठीक नहीं है। अगर किसी को ये करना भी है तो प्रशासन की परमिशन लेना जरूरी है। पर सवाल ये भी है कि क्या इंद्रलोक की सड़क में ये नमाज पहली बार हो रही थी? अगर नहीं तो फिर एकदम से उठकर इतना नफरत भरा कदम क्यों? इस सब में ये बात भी ध्यान रखने लायक है कि अब चुनाव भी नजदीक है, तो क्या ये सारी करतूत माहौल बनाने के लिए की जा रही है? सवाल ये भी उठता है कि क्या हर शुक्रवार को सड़कों पर नमाज पढ़ना सही है? इससे ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, पर क्यों? क्या इसका कोई और उपाय नहीं है? इसको लेकर प्रशासन को क्या कुछ करना नहीं चाहिए? अगर इतना ही जरूरी है शुक्रवार की नमाज साथ मिलकर पढ़ना, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे ट्रैफिक की परेशानी ना हो? अगर किसी धर्म के लिए कोई रैली या कोई जनसभा इतनी जरूरी है, तो क्या हम इतने मानवीय नहीं हो सकते कि कोई सजदा कर रहा हो तो उसे कम से कम लात तो ना मारे? वैसे दिल्ली पुलिस ने लात मारने वाले इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो में जो पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है और जो पुलिस पोस्ट इंचार्ज थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है और अब लोगों को भी शांति बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।